आप देख सकते हैं ये मेरा वर्कशॉप है, मेरी फैक्ट्री, जहाँ पर हम लोग ये सब बॉडीज़ यहाँ तैयार कर रहे हैं मशीनों की, और ये बॉडी आगे जाके मशीन में कन्वर्ट होंगी। अभी हम आपको हमारे वर्कशॉप में जहाँ मशीनें तैयार हो रही हैं वहाँ ले जा सकते हैं। मशीनें तैयार होने के बाद इस कंडीशन में ये रैक्स में पूरी तरह रेडी हो जाती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन सिमेंडर इतने बड़े पैमाने पर मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो हमारे पास हर मशीन का सीरियल नंबर के हिसाब से मशीनें रेडी होती हैं। इवन आप ये कार्टून बॉक्स देख सकते हैं, ये सारा मटेरियल हम लोग बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे अजीत जिक्र किया था कि ये मशीनें श्रीलंका से हमारे पास ऑर्डर आया है, साउथ अफ्रीका से ऑर्डर आया है और दुबई से ऑर्डर आया है। तो ये हमने बैच वाइज जो मशीनें साउथ अफ्रीका जाने वाली हैं ये मशीनें हमने यहाँ रखी हुई हैं, और जो लॉट श्रीलंका जाने वाला है वो लॉट हमने यहाँ पर रखा हुआ है। तो करीब भारत के अलावा 28 राज्यों के अलावा हम कम से कम 7 देशों में ये मशीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मशीन की टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग होने के बाद उसका डिस्पैच डिटेल्स प्लान लगाया जाता है। सो इसमें जैसे जैसे मशीन जब डिस्पैच के लिए होगा, मशीन नंबर वाइज हमारी डिस्पैचिंग होगी। तो हमने क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर बहुत ध्यान दिया हुआ है। जो हमारी पैकिंग है, हर मशीन को इस तरह के थर्माकोल बॉक्स में पैक किया जाता है ताकि मशीन सेफली आंध्रा में जाए या आसाम में जाए, कश्मीर में जाए या कन्याकुमारी में जाए, हर मशीन को, हर बॉक्स को हम लोग इस तरह से प्रॉपर पैकिंग करते हैं। हर ये जो क्वालिटी ऑफ थर्माकोल है और क्वालिटी ऑफ कैरोगेटेड बॉक्स है, इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो पैकिंग हमारा एक मेन मोटो है। सारे मशीनों के लिए वर्कशॉप में आप देख सकते हैं कि इस तरह से मशीन वाइज अलग अलग पैकिंग हमने रखी हुई है। मैं आपको मेरा गोडाउन भी दिखाना चाहूंगा कि जैसा मैंने आपको बताया कि हम मशीन बना ही नहीं रहे, सिर्फ इसके अलावा जितना भी मटेरियल है वो भी हम या तो यहाँ प्रोक्योर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अलग अलग तरह के जितने भी इसके मटेरियल लगते हैं, इसका पूरा हमारे पास काफ़ी सारा इंग्रेडिएंट्स है जो हम आपको मटेरियल किट में सारा मटेरियल सप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी रेंज है, अलग अलग टाइप के माउंट्स है, इंक है, फोम है, पॉलीमर जेल है, सबसे शीट है। जैसा हम मशीन की पैकिंग करते हैं, इसी तरह हमारे मटेरियल बॉक्स की भी पैकिंग है, और मटेरियल भी इतना ही सेफली से हमारे सारे कस्टमर्स के पास जाता है। आप हैंडल में देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ हैं, पॉलीमर हैंडल्स के लिए, इंक के लिए, माउंट के लिए, फोम के लिए। तो ये इस तरह से अलग अलग हमने सारे रेंज के हिसाब से रख रखा है कि जो भी कस्टमर को जो भी माउंट्स चाहिए, इंक चाहिए, फोम चाहिए, सबसे शीट चाहिए, यहाँ पर हर टीम के लिए डेडिकेटेड स्टाफ है जो ये इंश्योर करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट लाइन है और हमारा जो डिस्पैच प्लान है वो टाइमली कंप्लीट हो पाए। यहाँ तक कि कुछ ऑर्डर्स हम लोग को दोपहर में 12 बजे भी मिलते हैं तो उसी दिन शाम को हम डिस्पैच कर देते हैं। और ये आप कुछ देख सकते हैं कि पॉलीमर का मटेरियल, कोलोप का मटेरियल, स्टैम्प बनाने के लिए जो डिफरेंट गम शीट लगता है, डेम टेप लगता है, फोम टेप लगता है, हर कुछ यहाँ पर प्रॉपरली प्रिपेयर किया गया है ताकि हम समय पर डिलीवरी दे सकें। मेरा बेसिक उद्देश्य ये है कि इंडिया के किसी भी हिस्से से अगर इंक्वायरी आ रही है तो वो टाइम पर एग्जीक्यूट हो सके। तो अब आप देख सकते हैं कि इवन हमारी मशीन की जो मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा था, थोड़ा सा मैं आपको वर्कशॉप दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी पीसीबी प्लेट है ये हम खुद बना रहे हैं। इवन जो कैपेसिटर्स है वो हम तैयार कर रहे हैं, और हर मशीन का अंदर का चोक, सर्किट, हीट सिंक प्लेट, सब कुछ हमारी मशीन में ही तैयार हो रहा है। हमारे यहाँ पर फैक्ट्री में ही, वर्कशॉप में ही तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मशीन जब तैयार हो जाती है तो फ्लोर पे जाने के पहले उसकी पूरी बकायदा टेस्टिंग होती है, और टेस्टिंग करने के बाद ही मशीन यहाँ से आगे बढ़ती है। ये जो स्टाफ है, ये अलग अलग स्टाफ, कुछ इंजीनियर्स हैं इसमें से जो इस मशीन को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, और हर मशीन को यहाँ पर फ्लोर पे फाइनल जाने के पहले उसका एक फाइनल क्वालिटी टेस्ट चेकिंग होता है। ये जो आप सर्किट और चोक देख रहे हैं, ये हम कहीं बाहर से लाकर खरीद कर नहीं लगा रहे हैं, असेंबलिंग नहीं हो रही है, ये हमारी ही फैक्ट्री में सारे सोक चोक और सर्किट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ये पॉलीमर की कुछ मशीनों की रेंज है, ये सब हमारी फैक्ट्री में ही तैयार हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ है, हर मशीन की जो जान होती है वो होता है उसका सर्किट। ये सारे सर्किट्स एशियन सिमेंडर खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, और भारत भर में जितनी भी मशीनें जा रही हैं उनके अंदर सिमेंडर के ब्रांड के सिमेंडर की मशीनें लगी हुई हैं। ये बेयर बॉडीज़ हैं, ब्लैंक बॉडीज़ हैं, जो कि आगे जाके मशीनों में कन्वर्ट होंगी। हमारे यहाँ एक प्रॉपरली हर वर्क के लिए एक इंचार्ज हैं जो इस पूरी टीम को कोऑर्डिनेट करते हैं, पूरी टीम के साथ वर्क करवा के लेते हैं। ये जी हाँ, यहाँ कैपेसिटर्स हैं, यहाँ पर कैपेसिटर्स को हमने पीसीबी प्लेट के साथ लिंक करके, ये सारे जो फ्लैश की मशीन है उनके लिए ये कैपेसिटर्स लगते हैं। और फाइनली जैसे ही मशीन तैयार हो जाती है तो वो आगे पैकिंग के लिए गोडाउन में चली जाती है, और वहाँ से फिर डिस्पैच हो जाता है। दोस्तों, फिर से आ चुका हूँ मैं बिजनेस की तलाश में दिल्ली से काफ़ी दूर, एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज को लेकर जो कि आप इस बिजनेस को करके बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मशीनरी से जो आप प्रोडक्ट आप बनाएंगे
उस प्रोडक्ट की जो आपको कॉस्ट पड़ने वाली है सिर्फ 10 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, ओनली 10 रुपीज से, और इसकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट जाती है वो 150 रुपये से 200 रुपये तक भी जाती है, और मार्केट में जो रिटेल में सेल होता है दोस्तों, यह प्रोडक्ट मार्केट में रिटेल में कहीं पर 200 रुपये में सेल होता है, कहीं 500 में, 1000 रुपये तक भी पहुंच जाता है। आप सोच सकते हैं कि कितना कई गुना इसमें प्रॉफिट मार्जिन है। और दोस्तों इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा सेटअप लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास कंप्यूटर की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एक कंप्यूटर सेटअप होना चाहिए और एक लेज़र प्रिंटर होना चाहिए, और आपको लेनी है जस्ट एक छोटी सी मशीनरी, और आपको मिलेगी लगभग आधे से एक घंटे की ट्रेनिंग, और उसमें पूरा आप कवर कर सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इस बिज़नेस की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन बहुत ही कम है। यदि आप खुद को इस प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको इसको ढूंढना पड़ता है, इसकी जो ऑफिस होता है, इसके जो लोग इसको बनाते हैं वो आपको आसानी से नहीं मिलता है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं पहुंच चुका हूं आपके लिए दिल्ली से पुणे में सर से विजिट करने के लिए। तो सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज़ में। थैंक यू अजीत, इट्स वेरी नाइस कि आप दिल्ली से यहाँ पर आए हैं। सो मैं ज़रूर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। आज से करीब 15 साल पहले मैंने एशियन सिमंदर कंपनी की स्थापना की है, और ये कंपनी आज भारत के करीब 29 राज्यों में और करीब 7 देशों में रबर स्टैम्प्स, प्री इंकिंग स्टैम्प्स की मशीन सप्लाई कर रही है। हमारा जो उद्देश्य है कि कम इन्वेस्टमेंट से हम लोगों को एक ऐसा व्यवसाय दे सकें कि वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या एक बहुत बड़ा बिजनेस रन कर सकें। शुरुआत ज़रूर छोटे से होगी, लेकिन आप बहुत कम समय में एक अच्छा बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने अजीत को बताया भी कि हमारी कंपनी में आपको जब ये मशीन लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, कोई आपको बहुत सारे मैन पावर की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक मशीन चाहिए, एक लेज़र प्रिंटर चाहिए, और अगले दिन से आपका बिज़नेस शुरू हो जाता है। क्योंकि सिमंदर कंपनी आपको मशीन भी दे रही है, मटेरियल की किट भी दे रही है, और सबसे बड़ी बात है कि जो इस स्टैम्प बनाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। लोगों को लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक घंटे की ट्रेनिंग जो कि हम लाइव वीडियो कॉल पर ट्रेनिंग देते हैं आपको, उस ट्रेनिंग से आप यह स्टैम्प्स का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, चाहे डॉक्टर हों, एडवोकेट्स हों, नोटरीज, होटल्स, हॉस्पिटल, कोई भी इंडस्ट्री, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां स्टैम्प नहीं चाहिए। इवन सब्जी वाले से लेकर मल्टीनेशनल कंपनी तक, हर ऑफिस में स्टैम्प्स की आवश्यकता है। सो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बिज़नेस का वॉल्यूम कितना बड़ा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज पूरे भारत भर में मोर देन 2.5 लाख डायरेक्ट रबर स्टैम्प्स की दुकानें हैं, और 5 लाख से ज़्यादा लोग पूरे भारत भर में इस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं। सो इसके लिए हम आपको जो मशीन देंगे, जो मटेरियल देंगे, उसका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, अगर आप एक छोटा प्रोजेक्ट कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहते हैं तो मात्र 15,000 रुपये में आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको प्री इंकिंग, ऑटोमेटिक सेल्फ इंकिंग की मशीन लेनी है तो मशीन, मटेरियल, किट सब मिला के आप 20,000 से लेके 40,000 रुपये तक की हमारे पास बहुत सारी मशीनों की रेंज है। हमारे इंजीनियर्स इस मशीन को बना रहे हैं, इसलिए हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, इसलिए सिमंदर कंपनी आपको 1 ईयर गारंटी, 1 ईयर वारंटी देती है, नॉट ओनली ऑन मशीन्स पर हर पार्ट के ऊपर। इसके अलावा भविष्य में कभी भी आपको मटेरियल की आवश्यकता है तो मेरी कंपनी आपको मटेरियल, आप बेहिचक मेरी वेबसाइट से, फ़ोन कॉल पे, व्हाट्सएप के द्वारा, जैसा भी चाहें आप मशीनें और मटेरियल हमसे खरीद सकते हैं। ट्रेनिंग हमारी तरफ से लाइफ टाइम फ्री है। अगर आपने आज ट्रेनिंग ली और कल कोई आपकी कंपनी में नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं और अगर उनको बिज़नेस की आवश्यकता है या ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो यस, हम उनको भी ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग हमारी तरफ से 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। तो दोस्तों यदि आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो जॉब करने की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप फ्रेशर हैं तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और चाह रहे हैं यदि आपका कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी भी प्रकार की कोई शॉप हो, चाहे रिटेलर की शॉप हो, किराना की दुकान हो, आपकी मेडिकल शॉप हो, किसी भी तरह का एग्जिस्टिंग कोई भी आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो साथ में आप इस बिजनेस को एड ऑन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो इनकम है और भी बढ़ सके। यहाँ पे गोरल लॉ का एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल की है, इसको फर्स्ट ओपन करना है। यहाँ पे न्यू पेज ओपन हो जाएगा। न्यू पेज होने के बाद यहाँ पे जो पेज सेटअप है, यहाँ पे आपने A4 पेज सेट करना है। उसके बाद में यहाँ पे जो टेक्स्ट टूल है अपना, ये टूल लेके यहाँ पे अपना जो डिज़ाइन है मैटर वो टाइपिंग करना है। उसके बाद में यहाँ पे जो जूम टूल गए वो लेके अपना पेज जूम करने गए, और यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेके ऑल सिलेक्ट करके इसको जो फॉन्ट साइज रहता है उसको 12 का देना है। उसके बाद में अगर मानो कि प्रोप्राइटर का स्टैम्प बना रहे फॉर लिखने का,
इस पेपर को दो नाम से जानते हैं मार्केट में, पहला है इसको ट्रेसिंग पेपर और दूसरा है बटर पेपर। इस पेपर पे प्रिंट लेना है, यहाँ पे कंट्रोल प्रिंट देने के बाद इसके ऊपर प्रिंट आएगा और ये डिज़ाइन ऐसा आएगा। ये जो डिज़ाइन है वो डार्क आना चाहिए। प्रिंट होने के बाद जितना ही डिज़ाइन है उतना ही पेपर लेने का, जो एक्स्ट्रा जो भाग है उसको कटिंग कर देने का। जितना डिज़ाइन है उतना ही लिया है, एक्स्ट्रा जो अपने पास है उसको निकल दिया है। प्रिंट होने के बाद इस मशीन के ऊपर ये विजन 88 मशीन है, जो स्टैम्प बनाने की जो मशीन रहती है इसके आगे की, ये वाला जो ये मशीन है उसके ऊपर चार ट्यूबलाइट और नीचे चार ट्यूबलाइट रहती है। एक जो ट्यूबलाइट है 15 वैट की और 18 इंचेस की एक ट्यूबलाइट रहती है। उसके बाद में यहाँ पे TV1 लिखा है और उसके बाद में TV2 लिखा है। TV1 मतलब ऊपर वाला लाइट है और TV2 मतलब नीचे वाला लाइट है। यहाँ पे अपने मशीन के ऊपर दो ग्लासेस है, तो जो ऊपर वाला जो ग्लास है उसको निकाल के जो नीचे वाला जो ग्लास रहता है उसके ऊपर अपना ट्रेसिंग पेपर यहाँ पे इसके सेंट्रल में रखने का। ये जो ट्रेसिंग पेपर अपने प्रिंट लिया है इसका ये उल्टा वाला बाजू है और ये पढ़ने वाला हिस्सा है, तो इसका जो पढ़ने वाला हिस्सा है वही ग्लास पे सेंट्रल में रखने का है। जो नेगेटिव पेपर रहता है ये वाला जो पेपर है, इस पेपर को बाहर निकल के जितना अपना स्टैम्प का साइज है से उस साइज से ये पेपर कटिंग करना है। ये पेपर बाहर निकल के नहीं रखने का और यहाँ पे इस पेपर को बीच में किधर भी हाथ नहीं लगाने का, जितना पेपर चाहिए उतना ही कटिंग करने का, बाकी का जो एक्स्ट्रा रहता है वो फिर से पैकेट में डाल के रखने का। ये जो कटिंग किया पेपर होता है उसको दो साइड रहता है, एक ग्रीन कलर का है और एक ब्लू कलर का है। तो ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है उसका अपना डिजाइन के ऊपर रखेंगे और ब्लू वाला ऊपर आएगा, ग्रीन वाला नीचे जाएगा और ब्लू वाला ऊपर आएगा। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा ग्लास है वो ग्लास रखने का। उसके बाद में मशीन का ढक्कन बंद करना है। उसके बाद में मशीन को ये पावर ऑन का बटन है इसको ऑन करके खाली TV2 का बटन प्रेस करना है और ओनली यहाँ पे 3 सेकंड सेट करना है, ओनली 3 सेकंड सेट करना है और उसके बाद में यहाँ पे स्टार्ट का बटन प्रेस करना है। ये टाइमिंग होने के बाद मशीन TV2 ऑफ रखना है, उसके बाद में ऑन पावर का भी बटन स्विच ऑफ करना है। यहाँ पे अपने पास 3 ट्रे आते हैं, एक ग्लास पानी लेना है, इसका आधा ग्लास इसमें डालना है और बाकी का जो आधा ग्लास है इसमें डालने का। नेगेटिव डेवलप करने के लिए डेवलपर अपने पास ए, डेवलपर बी और डेवलपर सी है। एक ट्रे में ए और बी डेवलपर मिक्स करना है, दूसरे ट्रे में सी डेवलपर डालना है। इसका जो प्रमाण रहता है वो आधा आधा चम्मच है, डेवलपर ए और डेवलपर बी इसका भी आधा चम्मच। और दूसरा ट्रे में डेवलपर सी जो है उसका 1 चम्मच डालना है। दोनों डेवलपर ए और बी वाला जो ट्रे है वो फर्स्ट लेने का है और जो डेवलपर है वो पूरा मिक्स कर देने का है। इस केमिकल के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। दूसरा वाला ट्रे इसको भी पूरा मिक्स करने का। अभी अपने को नेगेटिव डेवलप करना है। इस प्रोसेस को सनलाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, सनलाइट नहीं चाहिए इस प्रोसेस को। उसके बाद में जो नेगेटिव डेवलप किया है उसको लेना है, मशीन का ढक्कन ओपन करके जो ऊपर वाला जो ग्लास है वो ग्लास में साइड में रख दिया। यहाँ पे जो नेगेटिव है इसका ग्रीन वाला बाजू नीचे रखा था और ब्लू वाला ऊपर रखा था, तो उसके बाद में जो नेगेटिव है वो नेगेटिव पूरा इसके ऊपर एक्सपोज हुआ है। अभी इसको डेवलप करने के लिए फर्स्ट ट्रे में ए और बी डेवलपर का ट्रे जो है वो लेना है। इस प्रोसेस को कोई सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। जो नेगेटिव है वहाँ पर अपना जो ग्रीन हिस्सा नीचे रखा था उसका उल्टा करना है, मतलब
ए और बी ट्रे में ग्रीन वाला हिस्सा ऊपर आएगा और ब्लू वाला नीचे जाएगा। डालते समय तुरंत डालने का और उसको ट्रे के चारों कोने में उसको हिलाने का। नेगेटिव ब्लैक हो जाएगा। थोड़ा सा ब्लैक होने के बाद यहाँ पे आप उन हाथ से थोड़ा सा पलटी भी कर सकते हैं। अभी जो ये वाइट वाला जो बॉक्स है और बॉर्डर डार्क हुआ है ना, उसको सेम मैचिंग करने का, तब तक उसको हिला के रहने का। पूरा ब्लैक हो गया और खाली अल्फाबेट अपना जो डिज़ाइन था वो खाली वाइट ही। उसके बाद में ये पूरा ऐसा हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से फिर से निकल के दूसरा वाला जो ट्रे इसमें डाल के ना पूरा डाय, इसको ये जो निगेटिव हुआ है पूरा ट्रांसफर होने के बाद इसको पूरा ड्राई करना है न्यूज़पेपर में, इस न्यूज़पेपर में उसको पूरा ड्राई करके लेने का। इसके ऊपर आप हाथ भी अभी लगा सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होने वाला। अभी इसका आगे का प्रोसेस, इस ट्रेसिंग पेपर को साइड में रखेंगे हम। जो नेगेटिव अभी जो इसका जो एक्स्ट्रा जो भाग है वो कटिंग करेंगे। पूरा नेगेटिव ऐसा आएगा। इसके बाद में इसका आगे का जो प्रोसेस है, ये उल्टा वाला ये साइड है और ये पढ़ने वाला सीधा साइड है। इसका जो सीधा साइड है पढ़ने वाला, वही ग्लास के ऊपर रखेंगे सेंट्रल में। नेगेटिव को सेंट्रल में रखने के बाद अपने पास एप्लीकेटर सोलवेंट, ये जो सोलवेंट है इसको थोड़ा ही हाथ से लेके आप यहाँ में कम से कम 2 इंच जगह छोड़ के यहाँ पे इसको पूरा बॉक्स करके देने का। इसके बाद में ये जो कोर फॉइल है इसका एक पेपर इसके ऊपर डालने का। जो एप्लीकेटर से बॉक्स किया उसी साइज से ये जो कवर फॉइल है उसको कटिंग करेंगे हम और इस पेपर को इसके ऊपर डालेंगे। पेपर डालने के बाद इसके अंदर जो एयर रहता है वो पूरा एयर एक रूमाल से निकल देने का। कवर फॉइल डाल के इसका जो अंदर का एयर था वो पूरा एयर हमने निकल दिया है, कोई भी अंदर एयर नहीं चाहिए। उसके बाद में हमारे पास जो बॉन्डेड टेप है उस टेप से इसको हम बॉर्डर करेंगे। यहाँ पे एक स्टिकर निकल के जो अपना जो नेगेटिव है उस नेगेटिव से हम इसको लगाएंगे। ध्यान देने का कि अपने डिज़ाइन के ऊपर नहीं आना चाहिए वो। इनको नेगेटिव को पूरा बॉर्डर किया, चारों कोने में 1 या 2 mm का जगह चाहिए क्योंकि अंदर हुआ जो पॉलीमर जेल और जो एयर रहेगा उसको बाहर आने के लिए कुछ जगह चाहिए, इसलिए हमने चारों कोने में 1 या 2 mm का जगह छोड़ा है। उसके बाद में अपने पास जो पॉलीमर जेल है उसको डालेंगे। जेल डालने के बाद ये जो बॉक्स बना है इसके बाद में पूरा स्प्रिट हो जाएगा। इसके अंदर जो कोई बबल्स आते हैं इस बबल से जो सेफ्टी पिन रहता है उसको उससे फोड़ देना है। अगर गलती से कोई बबल्स नहीं फूट रहे तो अपना अल्फाबेट के ऊपर नहीं रखना, जहाँ पे अपना अल्फाबेट नहीं रहता है उसको वहाँ पे ढकल देना है बबल्स को। ये सबसे पेपर है, ये वाला जो पेपर है ना एक साइड स्मूथ में रहता है और दूसरा वाला एक रब बाजू रहता है। तो इसका जो अभी हमने जो डैम बनाया है उस हिसाब से इस पेपर को कटिंग करेंगे हम। इस पेपर को हम कटिंग करेंगे, ये जो वाला इस पेपर को एक रब वाला बाजू है और दूसरा वाला स्मूथ वाला है, तो इसका जो रब वाला बाजू है ये हम जेल के ऊपर डालेंगे और स्मूथ वाला ऊपर रखेंगे। डालते समय हम अंदर इसको बबल नहीं आना चाहिए इसलिए हम बीच में फोड़ करेंगे और हम यहाँ पर लगा के धीरे धीरे छोड़ देंगे क्योंकि अंदर कोई बबल्स नहीं आएंगे। उसके बाद में इसके ऊपर और एक कवर फॉइल पेपर कटिंग करेंगे ना। ये पेपर आप बार बार यूज कर सकते हैं, ख़राब होने के बाद आप चेंज कर सकते हैं। इस पेपर को फिर से एक बार इसके ऊपर डाल रहने का, इसलिए
उसके बाद में जो दूसरा वाला जो ग्लास है वो ग्लास रखेंगे हम, इस ग्लास को ख़राब होना नहीं चाहिए, और ये जो ग्लास है इस ग्लास में हम रखेंगे। उसके बाद में हम मशीन का ढक्कन बंद करेंगे और मशीन जो पावर ऑन बटन है उसको ऑन करेंगे हम। बटन पावर ऑन होने के बाद हम पहला स्टार्ट करेंगे TV1, मतलब ऊपर वाला जो लाइट है वो हम स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे इसको ऊपर हम 6 सेकंड सेट करेंगे, और TV2 बंद रखेंगे, ओनली हम TV1 ही चालू रखेंगे। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। ये टाइमिंग होने के बाद तुरंत हम TV1 बंद रखेंगे और TV2 चालू रखेंगे, और इसके ऊपर हम 40 टाइमिंग सेट करेंगे और स्टार्ट करेंगे। टाइम ख़त्म होने के बाद जो TV2 स्टार्ट किया था उसको ही हम बंद करेंगे, और जो ऑन पावर का बटन है उसको भी हम ऑफ करेंगे। उसके बाद में हम मशीन का ढक्कन ओपन करेंगे, ऊपर वाला जो ग्लास रखा था हमने उसको निकल के हम साइड में रखेंगे। उसके बाद में हम जो एक पतला वाला पेपर डाला था कवर फॉइल ऊपर वाला, उसको ही हम खाली नीचे वाला पेपर को प्रेस करके हम उसको ही निकलेंगे। उसके बाद में स्टैम्प हुआ का नहीं कैसा चेक करने के, तो जहाँ पे अल्फ़ाबेट है वहाँ पे हम प्रेस करेंगे, और जहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं है वहाँ पे प्रेस करेंगे। अगर यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है वहाँ पे हाथ को थनक से लगेगा और यहाँ पे प्रेस होगा नीचे। उसके बाद में जो एक अपने बाहर जो पॉलीमर जेल था वो जेल, और जो एक सबसित नाम का पेपर डाला था रफ वाला बाजू हिस्से, इस पेपर को दोनों साइड से हम पकड़ेंगे, नीचे वाला पेपर को प्रेस करेंगे हम, यहाँ से दोनों को धीरे धीरे से उसको खींचेंगे। अभी इस पॉलीमर में जितना उतना अल्फ़ाबेट है ना उतना ही जेल यूज़ होता है, बाकी का जो अल्फ़ाबेट नहीं है ना वहाँ पे रहता है, तो इसलिए ये जो जेल है हम हमारे बॉटल में डाल के इसको रीयूज कर सकते हैं। जितना जेल है उतना जेल हमने हाथ से निकल देना है। उसके बाद में जो जहाँ का जेल नहीं निकल सकता है उसको वॉशिंग करने का है, तो यहाँ पे अपने पास एक बड़ा वाला ट्रे, इस ट्रे में एक ग्लास पानी डालना है। इस सीट को पानी में डाल के अपने पास एक पावर वॉश सोलवेंट है, करीब 1 चम्मच डालना है। इस केमिकल को पूरा मिक्स करना है। उसके बाद में एक्रेलिक ब्रश है, स्मूथली वाला एक एक्रेलिक का ब्रश है, इस ब्रश से हल्के हाथ से उसको घिसना है। घिसते समय उसको चारों कोने में वॉशिंग करना है। उसके बाद में ये सीट रेडी हो जाएगी। वॉशिंग होने के बाद इसको स्मूथली रहता है, तो इसके लिए हार्ड बनाने के लिए एक प्रोसीजर रहता है, एक हार्नल ट्रे रहता है। इस ट्रे को इस मशीन में रख के एक ग्लास पानी डालेंगे हम, हार्नल सोलवेंट है इसका, हम पूरा 1 चम्मच डालेंगे। ये जो बना हुआ सीट है इस सीट में हम इसमें ऊपर डालेंगे और इसका ढक्कन बंद करेंगे। ये जो हमने प्रोसेस किया था ये एक ही बार रीयूज होगा। उसके बाद में ये जो निगेटिव बनाया था हमने, अगर मानो ये डिज़ाइन हमसे फिर कस्टमर आता है तो डायरेक्टली हम इसका जो प्रोसेस है इसको रीयूज कर सकते हैं। हम ग्लास को क्लीन करके इसका जो दूसरा वाला ग्लास है वो ग्लास हम इसके ऊपर रखेंगे और मशीन का ढक्कन बंद करके मशीन हम ऑन करेंगे और ओनली TV2 स्टार्ट करेंगे, और इसके लिए हम 300 सेकंड कंपलसरी देंगे। टाइमिंग ख़त्म होने के बाद मशीन TV2 ऑफ रखने का और ऑन पावर का भी बटन ऑफ करके जो अपना हार्डनिंग ट्रे डाला था निकल लेने का। ये जो सीट है ये अभी पूरी हार्ड बन गई है, इसको कपड़ा से सूखा कर देने का। पूरा सूखा होने के बाद इसके ऊपर जो अपना स्टैम्प है
वो स्टैम्प हम कटिंग करेंगे। हम 3900 में मटेरियल के किट में मिक्स करके जो हैंडल है 200 क्वांटिटी हम देते हैं, इसके हिसाब से ये जो स्टैम्प की रहते उसको निकल देने का। अभी जो अपना ट्रेसिंग पेपर था, जो अपना प्रिंट लिया था, उस पेपर को हम कट टू कट जो स्टैम्प के हुए कटिंग करेंगे। उसके बाद में हमारे पास मास्क टेप है, ये वाला डबल साइड वाला टेप है, इसको हम ओपन करके उसका जो प्रिंट हुआ जो बाजू है उसको नीचे प्रेस करेंगे हम, और इसको हम कट टू कट कटिंग करेंगे। इसमें दो साइड रहता है, एक साइड का जो स्टिकर है उसको निकाल कर इसका जो चिकटपन वाला जो बाजू है इस हैंडल को यहाँ पे नीचे लगा देने का। उसके बाद में हमारे पास गम सीट है, इस सीट को और हैंडल को प्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये जो हमने बनाई है सील, इसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे। इसको भी दो साइड स्टिकर रहता है, दोनों साइड में कौन सा भी एक निकल कर इसका जो प्लेन वाला जो बाजू है स्टैम्प का इसके ऊपर चिपका देने का, और उसको भी इसको कट टू कट कटिंग करने का। इसको कटिंग करने के बाद इसका जो दूसरा वाला स्टिकर है वो निकल देंगे हम, और इसका जो अल्फ़ाबेट है फॉर एग्जांपल एशियन, और इसका जो अल्फ़ाबेट है एशियन, इसको हम मैच करेंगे। और इसको हम चिपक देंगे तो ये हमारा पूरा स्टैम्प रेडी हो जाएगा। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, मेरे पास जो स्टैम्प्स की वैरायटी हैं, जो सीमंदर की मशीनें हैं, उड़ान फ्लैश मशीन या टेक्नो फ्लैश मशीन या विज़न 18 पॉलीमर स्टैम्प मेकिंग मशीन, इस तरह के हमारे पास करीब 14 मॉडल्स हैं। तो मैं आपको अभी उन मॉडल्स में से हर स्टैम्प्स किस तरह के बनते हैं, कौन कौन से स्टैम्प्स आप बना सकते हो, उसका मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो हमारी पॉलीमर स्टैम्प्स की मशीनें हैं। तो जैसा कि आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं, प्रोडक्ट देख रहे हैं, इसका नाम है पॉलीमर स्टैम्प। तो ये पॉलीमर स्टैम्प्स अगर आप देखें तो हम मात्र 10 रुपए में तैयार कर सकते हैं, और आपको ये लेवल की क्वालिटी मिलती है, ये लेवल का इम्प्रेशन मिलता है। जी हाँ, इसका जो हैंडल का खर्चा है, इसका जो पॉलीमर की शीट का खर्चा है, सब मिला के मात्र 8 से 10 रुपए में यह स्टैम्प तैयार होता है। और इसमें मार्केट प्राइस, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन करीब ये स्टैम्प, जैसा कि मैंने बोला, नॉर्थ के एरिया में 70 से 80 रुपए में, और वेस्ट और साउथ में लगभग 100 रुपए में ये स्टैम्प बिकता है। इसमें अलग अलग टाइप की वैरायटी आती हैं, आप प्लास्टिक हैंडल की जगह एक्रिलिक हैंडल और फाइबर के हैंडल, अलग अलग टाइप के हैंडल्स यूज़ कर लेते हैं, बट अंदर का जो मटेरियल तैयार हो रहा है वो और हैंडल का खर्चा मिला के, जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ 8 से 10 रुपए में तैयार होता है। इसको बनाने का टाइम 30 मिनट लगता है, चाहे आप एक बार में एक स्टैम्प बनाएं या 30 स्टैम्प्स बनाएं। अब मैं आपको ले चलता हूं जो बहुत बड़ी रेंज मार्केट में, जो बहुत बड़ी रेंज आई हुई है, वो है फ्लैश या प्री इंकिंग स्टैम्प की। आप ये जो माउंट देख रहे हैं इसको ड्यूरा माउंट बोलते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप मल्टी कलर स्टैम्प्स, डबल कलर स्टैम्प, 4 से 5 कलर तक का स्टैम्प लोगो या डिज़ाइन के साथ बना सकते हैं। अभी आप इसका आउटपुट देखिए, जो कि मैंने अपनी उड़ान फ्लैश मशीन में बनाया है। आप क्वालिटी देख सकते हैं, जो इसमें फिनिशिंग आपको मिल रही है, जो डबल कलर, 3 कलर, लोगो, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और इसमें बहुत सारा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है, मात्र इंक, फोम और माउंट, ये तीन चीज़ों से ये स्टैम्प 1 मिनट में फ्लैश होता है। उड़ान मशीन जो है वो सबसे फास्ट मशीन है, 1 मिनट में एक फ्लैश करती है, और ये मशीन आगे से खुद बताती है फायरिंग 1, फायरिंग 2, स्टैम्प इज़ रेडी। मात्र 1 मिनट में आप एक स्टैम्प फ्लैश करते हैं, और इंक डालने के बाद 10 मिनट के अंदर आप ये स्टैम्प कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं। ये जो ड्यूरा स्टैम्प है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अब जो कि उड़ान फ्लैश मशीन है, या मेरी जो भी फ्लैश मशीन है, वो केवल एक ही वैरायटी को फ्लैश नहीं कर रही है, वो आपको एक साथ
पांच से छह टाइप के जो मार्केट में रनिंग, जैसे कि ये सन स्टैम्पर है, ये सन स्टैम्पर को भी आप अंदर से खोलकर देख सकते हैं। ये जो पाइप होता है, यहाँ से आप इंक डालते हैं और ये जो इंक डालने के बाद ये एरिया पूरे तरह इंक्ड हो जाता है और अब आप जब इम्प्रेशन लेते हैं तो ये क्वालिटी का शार्प और क्लियर इम्प्रेशन मिलता है। ये सन स्टैम्पर है, इसको भी आप मात्र एक मिनट में हमारी उड़ान फ्लैश मशीन में फ्लैश कर सकते हैं। एक और वैरायटी मार्केट में चलती है जिसका नाम है एक्स स्टैम्पर। आपने ये देखा होगा इसकी बॉडी भी अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है और ये एक्स स्टैम्पर भी, जैसा कि मैंने बोला, हमारी जो मटेरियल किट आपको दे रहे हैं उस मटेरियल किट में हम सभी टाइप की वैरायटी बना रहे हैं और ये स्टैम्प का इम्प्रेशन की जो क्वालिटी आ रही है, आप अगर आपने डार्क प्लेस करेंगे तो थोड़ा डार्क इम्प्रेशन आएगा। आप टच कर सकते हैं, सिर्फ टच एंड गो ये वाले, और इसमें लगभग 15,000 इम्प्रेशन की गारंटी कंपनी करती है। ये स्टैम्प बनाने के बाद कस्टमर इससे 15,000 इम्प्रेशन ले सकता है। कोलोप का नाम शायद इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत फेमस है और आपने सुना होगा। ये एक दूसरा प्रोडक्ट है जिसको आप हमारे मशीन में फ्लैश कर सकते हैं। मेरी जो टेक्नो फ्लैश और स्पीड फ्लैश मशीन है, सभी मशीनों में होता है ये फ्लैश प्रॉपरली, बट इस समय टेक्नो फ्लैश और इस स्पीड फ्लैश मशीन काफ़ी सारे लोग परचेस कर रहे हैं कोलोप के स्टैम्प को फ्लैशिंग करने के लिए। एक बहुत सुंदर माउंट है, इसका नाम है क्रिस्टल माउंट। कुछ क्षेत्रों में इसको डायमंड माउंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी भी खास बात यह है कि इसको आप दो कलर में भी अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये देखिए, आप इंप्रेशन की क्वालिटी देखिए। ये स्टैम्प करीब मेरे ऑफिस का स्टैम्प है, लगभग 3 साल हो गए हैं ये स्टैम्प को बने हुए। 3 साल बाद भी आप इसकी क्वालिटी एंड फिनिशिंग देख सकते हैं। 15,000 इंप्रेशन आप इसमें ले सकते हैं। इसमें जापानीज फोम होता है और ये जो बॉडी और माउंट है ये हम इंडिया में तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास एक और, अगर आपके पास बाई चांस बजट कम है और आप थोड़ा कम रेंज में स्टैम्प प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो मात्र 40 रुपये से 50 रुपये की रेंज में ये प्लस स्टैम्प पर तैयार हो जाता है। कोलोप की कॉस्ट लगभग 60 से 70 आती है, मैं बताना रह गया था आपको, और मार्केट प्राइस उसकी रहती है करीब 300 से 350। बट ये जो प्लस स्टैम्पर है ये मार्केट में लगभग 250 से 300 रुपये में बिकता है और इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है ओनली 40 से 50 रुपये। आप इसका लेकिन फिनिशिंग और क्वालिटी देखिए, इसकी भी सेम है लगभग। सो ये क्वालिटी और फिनिशिंग केवल पहले दिन या पहले इंप्रेशन में नहीं है, अगले 15,000 इंप्रेशन तक आपको सेम क्वालिटी, सेम इंक बार बार उसमें डालने की, आपको रिफिल करने की आवश्यकता नहीं है। एक और प्रोडक्ट दिखाना चाहूँगा हमारे कुछ ग्रामीण भागों में, जहाँ पर कि कुछ कस्टमर रबर स्टैम्प मैन्युफैक्चरर बिल्कुल सस्ती रेंज का प्रोडक्ट चाहते हैं, तो वो ये प्रिंट करके एक प्रोडक्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी हम आपको मटेरियल किट में इसके कुछ पीसेस देते हैं। एक्चुअली मटेरियल किट में, अजीत आप यहाँ दिखा सकते हैं, इस तरह की सारी रेंज, सारी वैरायटी का हम एक कॉम्बो बना के देते हैं, चाहे वो सन स्टैम्पर हो, एक्स स्टैम्पर हो, प्रिंट स्टैम्पर हो, प्लस स्टैम्पर हो, ड्यूरा स्टैम्प हो और कोलोप, सभी प्रोडक्ट का कॉम्बो बना के देते हैं ताकि कस्टमर को हर रेंज का स्टैम्प मिल सके। तो मैं प्रिंट बताना चाह रहा था, आप देखिए बहुत ही खूबसूरत क्लियरिटी के साथ ये प्रिंट स्टैम्प मात्र 35 रुपये से 30 रुपये में आप अपने कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं और इसकी MRP जो रहती है लगभग 250, 200, 300 रुपये तक इसकी MRP होती है। अब मैं आपको एक माउंट और दिखाना चाहूँगा कि अगर आपको बाई चांस कोई लोगो चाहिए या फोटो चाहिए तो ये देखिए, हाफ टर्न इफेक्ट के साथ यहाँ पर हमने ये शिवाजी महाराज का एक पिक्चर लिया है। आप देख सकते हैं कितना क्लियर है, ये स्टैम्प है। लोगों को लगता है कि ये प्रिंट है बट ये स्टैम्प है और इसी तरह हाफ टोन इफेक्ट के साथ आप बहुत सारे स्टैम्प्स तैयार कर सकते हैं। कई जो बड़े कुछ कस्टमर्स हैं उनको सिग्नेचर स्टैम्प की आवश्यकता पड़ती है। आप देखिए सिग्नेचर स्टैम्प भी क्या खूबसूरती के साथ आया है, आप पता नहीं कर पाएंगे कि ये ओरिजिनल है या इम्प्रेशन है। सो ये क्लियरिटी हम एंश्योर करते हैं हमारी मशीनों में और हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे कस्टमर हैं, अगर वो कहीं पर भी उनको ट्रेनिंग में दिक्कत आ रही है तो वेरी वेल, इंडिया के सभी राज्यों में लगभग 2800 गांव शहरों में आज तक मैंने मशीनें सप्लाई की हुई हैं। आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी भाषा में आप हमसे बात कर सकते हैं और हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। हम आपको यहां से आपके क्षेत्र तक मशीन की डिलीवरी, मटेरियल किट की डिलीवरी और साथ में ट्रेनिंग अवेलेबल करवाएंगे। मशीनों का इन्वेस्टमेंट मात्र 10,000 से 20,000 तक की रेंज की हमारी मशीनें हैं पॉलीमर की, और फ्लैश की मशीनें हमारी रेंज शुरू होती है 15,500 से 25,000 रुपये तक। मटेरियल किट सेपरेटली है जिसका खर्चा आता है लगभग 3,900 से लेके 5,500 तक, अलग अलग वैरायटी की मटेरियल किट हैं। तो आप ये मान के चलिए कि मोटा मोटा आप एक 15,000 से 25-30,000 की रेंज में ये पूरा का पूरा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई अलग से आपको हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई बहुत बड़ा लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है।
सो आइए साथियों मेरे साथ जुड़िए सीमंदर के ब्रांड के साथ, सीमंदर की जो 25 साल की एक ड्यूरेबिलिटी आपके साथ जुड़ी हुई है, एक रिलायबिलिटी जुड़ी हुई है। हम प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप हमारे साथ ये बिज़नेस शुरू करते हैं तो कंपनी आपको लाइफ टाइम मशीन से सपोर्ट, मटेरियल का सपोर्ट और ट्रेनिंग का सपोर्ट आपको देगी। थैंक यू वेरी मच।